नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का जो है सारी प्रक्रिया लगभग यहां पे समाप्त हो चुका है और अब जो ये शो सिर्फ और सिर्फ इसका जो डिले यहां पे हो रहा है या फिर यहां पे डेट इसका आगे जो बढ़ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति जो है अभी काफ़ी दयनीय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन है यानी कि इस शो को जो होस्ट करते हैं वो अभी नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है। यही कारण है कि इस शो को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि इस शो को कब से स्टार्ट किया जाएगा और यही रीज़न है कि प्रतिभागी कन्फ्यूजन में यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वैसे प्रतिभागी जिन्होंने केबीसी के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है यानी कि जिसके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल जा चुका है और अब उनको फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए मुंबई आना है। इस परिस्थिति में हर सीजन में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो उस शो तक नहीं पहुँच पाते हैं। काफ़ी सारा रीज़न वहाँ पे होता है, हालांकि इस तरीके का बिल्कुल कम यहाँ पे देखा जाता है क्योंकि जो भी प्रतिभागी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि कैसे जो है हम हॉट सीट पर जाकर पहुँचे और वहाँ से काफ़ी सारा धन जो है जीत कर हम वापस आए। लेकिन हर सीजन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद वो इस शो तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आखिर वैसे प्रतिभागी अगर इस सीज़न की बात करें तो वैसे प्रतिभागी जिनका जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ चुका है और अब जो है वो फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए मुंबई में अगर नहीं पहुंचते हैं तो वहां पे उस स्थान पे क्या किया जाएगा। तो वहां पे एक ही किया जाता है, ये हर साल ऐसा ही होता है कि कोई भी प्रतिभागी अगर नहीं पहुँचता है तो उस स्थिति में जो मुंबई के लोकल प्रतिभागी होते हैं उनके पास केबीसी की तरफ से कॉल किया जाता है। चूँकि अचानक अगर आज जो है फास्ट फिंगर फास्ट राउंड खेलना है प्रतिभागी को और उस समय तक पता चलता है कि प्रतिभागी जो है नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि मुंबई के जो लोकल प्रतिभागी होते हैं उनके पास कॉल किया जाता है क्योंकि आसानी से जो है वो कम समय में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस प्रतिभागी को जो है उस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। यही कारण है कि अगर आप केबीसी का रूल और रेगुलेशन अगर आप पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े तो हम आपको बता दें कि मुंबई में लगभग ये आंकड़ा लगा के रखा जाता है कि लगभग 10 प्रतिभागी को जो है हर साल एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा जाता है जिसका सिलेक्शन वहाँ पर होता ही होता है। यानी कि जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल उनके पास नहीं गया होता है वो सिलेक्शन ऑनलाइन ऑडिशन के बाद उनका नहीं भी हुआ रहता है लेकिन अचानक अगर कोई प्रतिभागी इस शो का हिस्सा नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में एक ही यहाँ पे टेक्निक अपनाया जाता है और वो टेक्निक यही होता है कि जो मुंबई के यहाँ पे लोकल जो प्रतिभागी होते हैं उनके पास कॉल किया जाता है और तुरंत उस प्रतिभागी को जो है इस शो के लिए बुला लिया जाता है। तो ये अगर आपके मन में कन्फ्यूजन होगा या फिर ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी सारे प्रतिभागी को ये पता नहीं होगा कि वैसे प्रतिभागी जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर वो इस शो तक नहीं पहुँच पाते हैं यानी कि मुंबई नहीं पहुंच पाते हैं तो उस जगह पे जो है मुंबई के लोकल प्रतिभागी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। अगर ये शो मुंबई में हुआ तब, हालांकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि कोरोना वायरस की स्थिति है, यही कारण है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये शो जो है मुंबई में होगा या फिर नहीं होगा। चूँकि एक तो हम आपको पहले भी बताया कि अमिताभ बच्चन अभी खुद ही कोरोना पॉजिटिव है और वो नानावती हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं और उसके बाद जो ये डेट क्लियर कर दिया जाता है कि मुंबई में इसका शूटिंग कब से किया जाएगा, अभी तक भी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक यहाँ पर अटकलें ये भी है जिसको एक यहाँ पर रुकावट कह सकते हैं कि 65 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जो है किसी भी शूटिंग का हिस्सा नहीं कर सकता है, किसी भी शो का शूट वो नहीं कर सकता है। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का उम्र कितना है, जाहिर सी बात है वो इस शो का हिस्सा यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सोनी टीवी की तरफ से यह भी बता दिया गया है कि हॉस्ट जो है चेंज नहीं होने वाला है। तो अब डिपेंड एक ही हो जाता है कि इस शो को यानी कि इस सीजन को अमिताभ बच्चन ही चलाएंगे। तो अगर इस स्थिति में ये शो मुंबई से बाहर जाता है, जैसा कि हम आपको पहले अंदाजा के अनुसार बताए थे कि हो सकता है इस शो को हैदराबाद में शूट किया जाएगा या फिर आउट ऑफ मुंबई कहीं पर भी इस शो को शूट किया जाए, तो वहां के जो लोकल प्रतिभागी होंगे उस प्रतिभागी को मौका दिया जाता है। तो साफ साफ यहां पे समझ जाइए कि वैसे प्रतिभागी जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है और फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए अगर वो केबीसी टीम के पास तक नहीं पहुँचता है तो वहाँ के जो लोकल प्रतिभागी होते हैं उनको केबीसी का यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है।